दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एग्जेम्पशन की सीरीज को आगे कंटिन्यू। मेरे चार पांच पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और एक प्लेलिस्ट है जीएसटी रिवीजन की, आप वहाँ पे सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है सर, और इस पार्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा जीटीए की। जीटीए में जो ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसको एसआई नंबर कहा जाता है जीएसटी में। तो सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए मैं आपके साथ 17, 18, 19, 20, 21 डिस्कस करूंगा, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए मैं एसआई नंबर 15 डिस्कस करूंगा। ये मैंने मार्क किया है, आप भी लिख लें, और अगर मैंने एक आध कोई छोड़ दिया हो तो आप ज़रूर देख लें, लेकिन मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में इतने में कवर हो जाएगा। लेकिन सर, प्रॉब्लम वही है कि इसे एग्ज़ाम तक कैसे याद रखें। अब ये देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, इन सभी को पढ़ना है, लेकिन मैं एक चार्ट आपके साथ बनाऊंगा। उसके बाद एक बार आप मेरे साथ चार्ट बना लेंगे, उसके बाद आप इन्हें खुद से पढ़ सकते हैं और आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम तक रिकॉल रहने वाली है। ठीक है सर, तो मैं आपके लिए बनाता हूँ इसके चार्ट्स। सर देखिए, हेडिंग डालिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट का सेक्टर। सर इसमें देखो, पहली बात, आप इसमें एक पोर्शन डाल सकते हो कि आप जो अपने यात्रीगण हैं, इन द सेंस जो पैसेंजर हैं आपके, आप उन्हें कहाँ से ले जा रहे हो? रोड से ले जा रहे हो। कहाँ से ले जा रहे हो? रोड से। और ये बात हो रही है सर ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर मैंने जीटीए वर्ड लिख दिया तो आप इसे कंफ्यूज मत हो, हमारा ओवरऑल मुद्दा है ट्रांसपोर्ट करने का। या तो हम पैसेंजर को लाएंगे ले जाएंगे, या तो हम गुड्स को लाएंगे ले जाएंगे। ठीक है सर, अगर मैं रोड की बात करूँ तो आप इसे ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। देखिए सर, सर आप बोल सकते हो कि रोड में या तो आप बस चलाओगे, है ना, या फिर आप मोटर कैब का यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, सर आप ऑटो रिक्शा का यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? ऑटो रिक्शा का। सर आप मोटर कैब हो गया आपके पास, आप मीटर कैब का भी यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? मीटर कैब का। तो सर अगर हम बस चला रहे हैं, ठीक है, तो बस में भी सर दो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि सर आप बस जो चला रहे हैं, या तो आप स्टेज कैरेज चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? स्टेज कैरेज। ठीक है सर, और या तो आप चला रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। क्या चला रहे हैं? या तो आप चला रहे हो स्टेज कैरेज, या तो आप चला रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अगर सर आप स्टेज कैरेज चला रहे हो, ठीक है सर, और आपका नन एसी कैरेज है, क्या है? नन एसी कैरेज। और कहाँ, कैसे ले जा रहे हो आप? नन एसी में। नन एसी में ले जा रहे हो सर, तो ये आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। और वही सर अगर आप एसी स्टेज में ले जा रहे हो, किस में ले जा रहे हो? एसी स्टेज में, ठीक है सर, तो ये आपको टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। वही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करें आपसे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में मैं आपसे दो क्वेश्चन करूँगा कि भैया एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर आपकी एसी बस है तो क्या होगा? अगर आपकी नन एसी बस है, क्या है? नन एसी बस, तो क्या होगा? तो सर अगर आपकी रहने वाली है एसी बस, एयर कंडीशन बस, तो सर ये होगा आपको टैक्सेबल। ठीक है, और अगर ये आपकी रहने वाली है नन एसी बस, नन एसी बस, ठीक है, अगर ये नन एसी बस है तो मैं आपसे दोबारा से दो क्वेश्चन करूंगा। एक, क्या भैया इसमें आप टूरिज्म कंडक्ट करते हो? टूरिज्म कंडक्ट करते हो, क्या आप यात्रीगण को ले जाते हो? टूरिज्म तो आपको पता ही होगा ना, टूरिज्म कंडक्ट करते हो, ठीक है, टूर, टूरिज्म कंडक्ट टूर, और आप इसमें कह सकते हो चार्टर और हायर। क्या? चार्टर और हायर। अगर ये टूरिज्म कंडक्ट करने का टूर है और ये चार्टर है या हायर है, चार्टर पर्पज़ या हायर पर्पज़ के लिए, तो आप कहोगे कि भैया ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप इनके अलावा ऑल अदर पर्पज़ है, क्या है? ऑल अदर पर्पज़। ऑल अदर पर्पज़ बोले तो कि भैया टूरिज्म के पर्पज़ से तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, सबसे पहली बात, ठीक है, तो और क्या है? नन एसी है, और नन एसी है तो भैया ऑल अदर पर्पज़ के लिए है। तो ये एक बात और इसमें एग्जाम में फंसा सकता है, यहाँ आप लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। क्या? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब जैसे दिल्ली में है आपके बस होते हैं, बस के स्टॉपेज होते हैं, तो अगर वो इस पॉइंट से यहीं पे रुकेगा, यहाँ से यहीं रुकेगा, यहाँ से यहीं रुकेगा, अपने अपने स्टॉप होते हैं, वहीं पे रुक रुक के चल रहा है, तब तो भैया ये क्या है? एग्जेम्प्ट है।
क्या है, एग्जेम्प्ट ऑफ बस। लेकिन अगर चार्टर और हायर मतलब भाई रोक दियो यहाँ, रोक दियो यहाँ, रोक दियो, अच्छा रोक दिया, चल भाई चल चल चल, अरे रोक दे रोक दे रोक दे, अच्छा चल चल चल, अगर इस तरीके से नौटंकीबाजी है नन एसी बस में, तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा। और ऑल अदर पर्पज़ के लिए है, ठीक है, ऑल अदर पर्पज़ इन द सेंस, जो नॉर्मल आप बस लेते हो 5 रुपये 10 रुपये का किराया दे के, दिल्ली में ऐसा होता है, बाकी का मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे इस केस में आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये मैंने आपसे बात की रोड की, अब मैं बात करूँगा मोटर कैब की। तो सर मोटर कैब के केस में तीन बातें आएंगी, कितनी बातें आएंगी, तीन। ठीक है सर, और ये तीन बातें क्या क्या है, देखो सर इस केस में तीन बातें आपकी निकल के आएंगी। सर पहली बात आएगी कि जो आपका मोटर कैब है, क्या मोटर कैब है या आपका ऑटो रिक्शा है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ये है कवर्ड इन एग्जेम्पशन। यानी अगर आप मोटर कैब चला रहे हो या आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। लेकिन आप मोटर कैब चला रहे हो, ठीक है, और एसी और नन एसी वाला चला रहे हो, ठीक है सर, और सर ये मोटर मैंने गलत से लिख दिया, यहाँ मीटर है, मैंने गलत वर्ड लिख दिया, ये मीटर है, ठीक है, माफ करना, यहाँ मीटर है, मीटर कैब। तो आप मोटर कैब चला रहे हो, एसी चला रहे हो, नहीं एसी चला रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है सर रेडियो टैक्सी, क्या होता है रेडियो टैक्सी, तो रेडियो टैक्सी अगर एसी है और नन एसी है, क्या है एसी है या नन एसी पर्पस के लिए है, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सर अभी हमने पार्ट ए देखा है, क्या देखा है पार्ट ए, क्या देखा है पार्ट ए में, जरा एक बार समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने एंट्री मार्क कराई थी इस चार्ट को ड्रॉ करने के बाद, आप देखना आपको पूरी समझ में आ जाएगी। सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो सर अगर हम रोड से जा रहे हैं तो दो तरीका होगा, या तो हम बस से जाएं, या तो हम मोटर कैब ऑटो रिक्शा या मीटर कैब के थ्रू जाएं। अगर हम रोड से जा रहे हैं और बस लेके जा रहे हैं, अगर स्टेज कैरेज है और वो नन एसी है, तो एग्जेम्प्ट है, अगर एसी है तो भैया टैक्सेबल है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, और अगर वो क्या है भैया, अगर वो हमारा एसी बस है, क्या है एयर कंडीशन बस है, तो भैया पूरा का पूरा टैक्सेबल है। नन एसी बस है तो दो कंडीशन है, टूरिज्म पर्पज के लिए चार्टर और हायर पर्पज है तो टैक्सेबल है, ऑल अदर पर्पज के लिए अगर पॉइंट टू पॉइंट बेसिस है तो एग्जेम्प्ट है। फिर सर हमने बात की ऑटो वगैरह की, ठीक है, मोटर कैब ऑटो रिक्शा और मीटर कैब, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा के केस में चार्टेड और चार, ठीक है भैया, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा के केस में ये हमारे एग्जेम्पशन में कवर होता है। लेकिन अगर वो मोटर कैब है, ये है मीटर, ये है मीटर और ये है मोटर, सर एक वर्ड से आपके 5 नंबर बिगड़ जाएंगे, ध्यान से देखना। मोटर कैब है, एसी हो नन एसी है टैक्सेबल है, रेडियो टैक्सी है, एसी हो नन एसी है टैक्सेबल है, ठीक है भैया, ओके। अब ये हमने पॉइंट ए देखा था, क्या देखा था पॉइंट ए, अब इसी में पॉइंट बी बनाना। रो अभी हम किसी बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, अभी आपको अगर ये चार्ट याद हो तो आपने मेरे साथ यहाँ पे पॉइंट ए डाला था, ये देखो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं रोड से नहीं ले जा रहा मैं अपने पैसेंजर को, लोग क्या उखाड़ लोगे आप, मैं रोड से ले ही नहीं जा रहा, रोड से नहीं ले जा रहे भैया तो कहाँ से ले जाओगे, देखो मैं रोड से नहीं ले जा रहा, फिर भैया देखो तीन जगह से ले जा सकता हूँ मैं, या तो मैं रेल से अपने पैसेंजर्स वगैरह को ला और ले जा सकता हूँ, या तो मैं पानी के माध्यम वाटर से डुबा डुबा के ले जा सकता हूँ, हाँ, और एयर के थ्रू हवाई जहाज के थ्रू ले जा सकता हूँ। अगर मैं पानी के थ्रू जा रहा हूँ अपने पैसेंजर को लेके, ठीक है सर, तो अगर मैं पानी के थ्रू जा रहा हूँ और सॉरी अगर मैं रेल के थ्रू जा रहा हूँ पैसेंजर को लेके, और बात करेंगे सर रेलवे है आपकी, रेलवे में सर आपसे दो बातें पूछ लेंगे हम, ठीक है सर, एक फर्स्ट कोच है, ऐसे बोलो आप फर्स्ट क्लास है और एसी कोच, ठीक है, फर्स्ट क्लास और एसी कोच है या फिर अदर है। तो भैया अगर फर्स्ट क्लास और एसी कोच है आपका, तो भैया ये तो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपका अदर है, रेल में अदर यानी इनको छोड़ के अगर कोई है, तो भैया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी एग्जाम में ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट क्लास और एसी के लिए अगर आप लेके जा रहे हो ट्रेन के से, मतलब रेल के थ्रू अगर आप फर्स्ट क्लास और एसी के लिए जा रहे हो, तो भैया टैक्सेबल है और अदर के लिए वो एग्जेम्प्ट है। अगर वही मैं आपसे बात करूँ मेट्रो की, मेट्रो है या मोनोरेल है या ट्रिम वे है,
ठीक है, ट्रेम वे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार गूगल पे सर्च मारना, आपको ट्रेम वे दिखाई देगा। ठीक है, अगर इनके नाम आपने ना देखे हो, वास्तविक जिंदगी में पाला ना पड़ा हो, तो एक बार गूगल में आप सिलेक्ट करके देखना, आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। अगर मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्रेम वे है, तो भैया इसके लिए आपको क्या मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है। और यही कहूंगा, ये सारे चार्ट बना के एक बार जो एंट्री मैंने मार्क कराई वो जरूर देख लें। सर अब अगर हम बात करें वाटर की, किसी बात करें वाटर की, तो वाटर के केस में सर आती है दो बातें। एक इनलैंड वाटर है, क्या है, इनलैंड वाटर। अगर इनलैंड वाटर भी है तो भैया वो होता है एग्जेम्पशन आपकी। और अगर वेसल्स है, क्या है, वेसल, वेसल में सर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री डोमिनेंटली यूज फॉर टूरिज्म। सर वर्ड पे ध्यान देना, प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर टूरिज्म, मतलब कि आप उसे टूरिज्म पर्पज के लिए यूज करते हो। आंसर है हाँ, तो भैया टैक्सेबल है। यानी आपने देखा, अगर आप बस भी टूरिज्म पर्पज के लिए यूज करोगे तो टैक्सेबल है, अगर वाटर से आप वेसल के थ्रू भी जा रहे हो और टूरिज्म पर्पज है तो भैया टैक्सेबल है। और आप टूरिज्म पर्पज के लिए नहीं है, अगर अदर पर्पज के लिए है, किसके लिए, अदर पर्पज के लिए, तो भैया इसमें आपको मिलेगी एग्जेम्पशन। ठीक है, अब बात करते हैं एयरप्लेन की। इसको थोड़ा ऐसे बनाना, एयर। सर अगर हम बात करें एयरप्लेन की, तो सर दो बातें निकल के आती है। पहला, इफ पैसेंजर इम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग, इम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ETC। तो भैया अगर आप इन पर्पज में, इम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि एयरप्लेन से आप लाते हो और ले जाते हो, दैट इज इम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस केस में अगर ये इन इन जगह पे है, कहाँ पे, ठीक है सर, आप इसे मेरे हिसाब से कैसे याद रख सकते हो, ए की पावर 2, एम की पावर 3 और एन, A2M3N। ठीक है, A2M3 एंड N, अगर ये है तो एग्जेम्प्ट है, और कोई अदर जगह के लिए इम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग है, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल। तो सर अब तक इतनी देर में हमने क्या बात की, हमने बात की सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर के लिए। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर इस केस में क्या होगा, सर सबसे पहली बात, अगर आप रोड से ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, रोड से ले जा रहे हो सामान को, तो भैया आपसे पूछा जाएगा कि भैया GTA कोरियर सर्विस है, GTA कोरियर सर्विस है, अगर हाँ तो भैया टैक्सेबल है, GTA की कोरियर सर्विस टैक्सेबल होती है। अगर आप रोड के थ्रू जा रहे हो, और मैं आपसे कह रहा हूँ अदर रोड ट्रांसपोर्ट, कैसा रोड ट्रांसपोर्ट है, अदर रोड, अदर रोड यानी GTA को छोड़ के, अगर GTO को छोड़ के है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन 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 इसी में कुछ बातें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, जो एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बना सकती हैं। सर इसमें स्पेशल एग्जेम्पशन दी जाती है, क्या, स्पेशल एग्जेम्पशन, ठीक है, टू GTA, किसको दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ GTA को। सर क्या स्पेशल एग्जेम्पशन है GTA को, सर पहला, अ कंसाइनमेंट, आपका कोई भी कंसाइनमेंट है, ठीक है, इन अ सिंगल कैरेज, कैसे, एक ही कैरेज के अंदर, तो भैया इसमें आपको 1500 रुपये तक है तो आपको माफी मिल जाएगी। और अगर ऑल कंसाइनमेंट है, क्या, ऑल कंसाइनमेंट और पर कंसाइनी, ऑल कंसाइनमेंट पर कंसाइनी जो है सर वो आपको 750 रुपये तक माफ है। सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ, सर पूरा का पूरा ट्रक मैंने अपने लिए बुक कराया है, ठीक है, मैं अपने घर को
मतलब दिल्ली से लेके मैं जा रहा हूँ गोवा, हाँ गोवा में घर बसाऊंगा मैं अपना, कहाँ जा रहा हूँ गोवा, और ये क्या है दिल्ली, एक एग्जाम्पल है बस। अगर पूरा का पूरा ट्रक मैंने ही बुक कर रखा है और इसकी कीमत 1500 तक है तो भैया एग्जाम्प्ट है। इस केस में क्या है कि मान लो ये ट्रक तो जा रहा है और कहाँ जा रहा है, दिल्ली से गोवा ही जा रहा है, लेकिन इसमें मेरा सामान नहीं है, मेरे लिए सिर्फ क्या है मेरा एक लैपटॉप है, क्या है लैपटॉप, और बाकी जितने भी हैं अलग अलग बंदों का अलग अलग है, ठीक है अलग अलग सामान है, तो इसमें पर बंदे के हिसाब से 750 रुपये चेक करेंगे। क्या मिनित मिश्रा ने किसने दिए, टोनू ने कितने दिए, मुजम्मिल हुसैन ने कितने दिए, ठीक है अलग अलग बंदों का सबका चेक करेंगे कि सबका अलग अलग 750 तक ही होगा तो इन्हें माफ होगा। सर ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इस पॉइंट को, थोड़ा सा बड़ा है ना सर, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में तो 2 घंटे तो ऐसे ही लग जाने, ये चार्ट आपके इतना फेवरेबल रहेगा और इसके बाद जब आप अपना स्टेटमेंट टच करेंगे तो आपको ये अपने आप एकदम छू मंतर की तरह समझ में आएगा सर। सर ये हो गई बात रोड की, सर अब मैं आपसे बात करूँ रेलवे की। क्या रेलवे, रेलवे के थ्रू क्या हो रहा है सर, गुड्स और सर्विसेज को लाया और ले जाया जा रहा है, तो भैया ये है पूरा का पूरा टैक्सेबल। सर वाटर की बात करूं, सर अगर वाटर में वेसल के थ्रू सामान लाया और ले जाया जा रहा है, ठीक है तो भैया ये है पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर इनलैंड वाटर है, क्या है इनलैंड वाटर, तो भैया ये है एग्जेम्प्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें एयर की, क्या एयर बोले तो हवाई जहाज, तो सर फुल्ली टैक्सेबल, क्या है फुल्ली टैक्सेबल। बट यहां पे एक बात और आ जाती है निकल के, ये थोड़ी सी समझदारी से लिखना सर पॉइंट, वरना बाद में आप कहेंगे मास्टर ने बताया नहीं, अटेम्प्ट लग गया, ध्यान से सुनना सर। बट यहां पे आप लिखोगे बट, बट क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर टू कस्टम स्टेशन, टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, मतलब आपका एयरप्लेन तो उड़ रहा है लेकिन वो कस्टम स्टेशन के अंदर ही है, मतलब भारत का जो दायरा है उसके अंदर ही अंदर है, तो फिर इसमें टैक्स देने वाली बात नहीं है, कस्टम स्टेशन के अंदर होना चाहिए, कस्टम के बाहर गया तो भैया फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर लास्ट है हमारा कि भैया आप जो गुड्स या सर्विसेज है वो पाइपलाइंस के थ्रू दे रहे हो, ठीक है और कंडक्ट के थ्रू दे रहे हो, CUNDUIT, तो भैया ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। सर आप कहोगे सर कौन सी सर्विस पाइपलाइंस के थ्रू दी जाती है, क्या आपको पानी की सर्विस, कई जगह गैस की सर्विस जो होती है वो पाइपलाइंस के थ्रू दी जाती है, तो आप ऐसा भौचक्का ना हो कि आपने नहीं देखा, ठीक है सर। सर अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है, अब हम लिखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट, ठीक है, और आप इसे कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स। नोट्स क्या है सर कि कुछ जो पॉइंट्स हैं ये एग्जेम्प्टेड है, क्या है एग्जेम्प्टेड, ठीक है क्यों एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि इसमें जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसके द्वारा, जीटीए के द्वारा और वैसल के द्वारा, देन एग्जेम्प्टेड, क्या है ये एग्जेम्प्टेड, और कहाँ से एग्जेम्प्टेड है, फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। सर ये कौन कौन है, तो सर आप ये ना अपने आप देख के आपका दिल खुद कहेगा कि भैया इन्हें माफ कर दो, इन पे जीएसटी मत लगाओ, क्या क्या है ये जरा देखते हैं हम लोग ध्यान से। सर देखो सर पहला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपको मन करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी लगाने का, आप खुद ही दिल से आवाज आएगी सर इस पे मत जीएसटी लगाओ। सर दूसरी बात आपको सर ऑर्गेनिक मैन्युअर, सर ये बस नाम दो चार बार रीड आउट करके जाने, आपको अपने आप एग्जाम में रिकॉल होगा, बस एक बार देखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है सर रिलीफ, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स, ठीक है सर, मतलब किसी को चोट वोट लगी है, कोई घायल है तो उसके लिए हम रिलीफ भिजवा रहे हैं कुछ ना कुछ, इस पे जीएसटी नहीं लगता। सर दूध हो गया, दूध है जहां तंदुरुस्ती है वहां दूध, सॉल्ट, ग्रेन्स,
फूड फ्लोर्स पल्सेस और राइजेस। सर इन सब के लिए आप कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे अगर ये जीटीए के थ्रू या वेसल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। सर फिफ्थ पॉइंट आपके पास न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, मैगजीन्स। सर स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ठीक कर ले, मैगजीन्स, ठीक है। और उसके बाद सर सिक्स पॉइंट आप इसमें कह सकते हो डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सर ये क्या है कि भैया अगर इन्हें जीटीए के थ्रू या वेसल के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा तो इस पर हम टैक्स नहीं देते। सर अब मैं आपसे बात करता हूँ जीएसटी एग्जेम्पशंस के बारे में। टॉपिक चालू किया था कि भैया आप एसआई नंबर पढ़ेंगे 17, 18, 19, 20, 21 और एसआई नंबर 15। अब सर ये जो भी आपने देखा, देखो रिलीफ डिफेंस ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी है, जो भी ऑटो रिक्शा वगैरह का फोटो वोटो आपको देखना है, एक बार आप स्टडीमेट देखोगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जेम्पशन की वीडियो जल्द से जल्द आए तो प्लीज़ एक प्यारा वाला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चार्ट वाला तरीका कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आगे भी ये यूज़ करूँगा और नहीं पसंद आया तो मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है सर। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अब 2 से 3 पार्ट और बनाएंगे जिससे फिर आपका फिर फाइनल हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।